बहुत पहले मैं एक लड़की को जानता था जो चिड़िया हो जाने का सपना देखा करती थी। हम अक्सर एक दूसरे से अपने सपनों की बातें करते थे। बात हम सीधी करते थे, पर मुझे वो सारी बातें सपनों सी लगती थी। मैं उससे जब भी पूछता था कि मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते, तो वो हंस दिया करती थी। वो कहती थी कि ये कोई रटने वाली चीज थोड़ी है जिसे याद रखना होता है। उसे सब याद था। उसके सपनों का दायरा बहुत बड़ा था। वो बचपन की घटनाएं भी सपनों की तरह सुनाती थी। एक चिड़िया का घोंसला उसके घर के ठीक ऊपर था। जब भी वो टूटे हुए अंडों को देखती तो उदास हो जाती। कभी कभी उसे चिड़िया के छोटे बच्चे भी नीचे पड़े हुए दिखते, जिन्हें वो बिना हाथ लगाए वापस घोंसलों तक पहुंचा देती थी। उसके बचपन की कई दोपहरें चिड़िया के घोंसले की पहरेदारी में बीती थी। एक दिन उसने सपना देखा कि वो एक चिड़िया के घोंसले में पड़ी हुई है दूसरे चिड़िया के बच्चों के साथ। वो अपने परों को निकलता हुआ देख सकती थी। धीरे धीरे उसकी उम्र के बच्चे अपने परों को झटके के साथ खोलकर आसमान में उड़ने लगे थे। वो अकेली रह गई थी, डरी हुई। उसकी बारी थी तो उसने उड़ने की तैयारी की। अपने परों को झाड़ा, फैलाया और घोंसले के कोने तक आई और ऊपर आसमान को देखने लगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी, उसने नीचे देखा कि एक भूखी बिल्ली उसका नीचे इंतजार कर रही है। उसने एक लंबी गहरी सांस भीतर खींची और अपने परों को चौड़ा करके घोंसले से कूद गई। कूदते वक्त उसने अपनी आंखें बहुत कसकर बंद कर ली थी, और तभी उसकी नींद खुल गई। हम लोग नदी किनारे घूम रहे थे जब उसने मुझे ये किस्सा सुनाया था। उसके सपने हमेशा बीच में ही कहीं खत्म हो जाते थे। हमेशा अंत होने से पहले उसकी आंखें खुल जाती थी। फिर क्या हुआ? जैसे प्रश्नों की मैं झड़ी लगा देता। जवाब में वो सिर्फ यही कहती थी कि बस मैंने इतना ही देखा था। वो कहती थी कि हमें हमेशा अधूरे सपने याद रहते हैं। बीच की खाली जगह, आधे कहे हुए संवाद, चुप्पी। मुझे सपने याद नहीं रहते थे। मेरे सपने अपना अंत लेकर आते थे शायद। मुझे यूं भी हमेशा अंत की चिंता रहती थी। किसी भी कहानी को पढ़ते हुए मैं उसके अंत का बोझ हमेशा अपने सर लिए उसे पढ़ता। अगर अंत अच्छा होता तो मुझे कहानी पसंद आती, वरना मैं चिढ़ जाता। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम पहले कहानी का अंत पढ़ लिया करो, फिर तुम कम से कम कहानी का मजा तो ले पाओगे। मैं उसकी बात समझता था, पर मैं उसके जैसा नहीं सोच सकता था। मैंने अपना पूरा जीवन भविष्य को देखते हुए जिया था, पर वो कभी भी भविष्य के बारे में बात नहीं करती थी। उसे अधूरेपन की आदत थी और मैं अपने देखे हर सपने को उसकी नियति तक पहुंचाना चाहता था। मुझे वो अभी भी याद है, क्योंकि वो बीच में ही कहीं वापस मुड़ गई थी जबकि मैं आगे चलता रहा। मुझे लगा वो किसी अगले मोड़ पर मुझसे जरूर टकराएगी और हम वापस साथ चलना शुरू कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो जिस दिन मुड़ी थी, तब से मुझे सपने याद रहने लगे। उसके अधूरे सपनों का अंत मैं अपने सपनों में देखने लगा उसके जाने के बाद। काम की तलाश वाली उम्र में मैं उससे मिला था। मुझे लगता था कि ये उन लड़कियों जैसी है जो सपनों में जीती हैं। मैं उसे बार बार खींचकर यथार्थ पर लाता था, पर वो हर बार मुझसे छूटकर कहीं चली जाती थी। वो कहती थी कि मैं जल्दी से 35 की होना चाहती हूँ, मुझे ये उम्र बहुत बकवास लगती है, मैं बस 35 होने तक का समय काट रही हूँ। वो मेरे हद के बाहर की लड़की थी। वो जो कहती थी वही जीती थी। शायद यही एक कारण था कि मैं उसकी तरफ इतना आकर्षित हुआ था। मैं उससे अक्सर पूछा करता था कि हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, तो वो तपाक से जवाब देती कि हम दोनों एक साथ नहीं हैं। मैं उसके साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगा था। भविष्य के सपने देखना मेरा स्वभाव था। मैं ऐसा ही था। मुझे दुकान दुकान घूमना अच्छा लगता था। हर दुकान के सामने बहुत देर तक खड़ा रहता और सपने देखता था। जब मेरा घर होगा तो मैं इस रंग के पर्दे लगाऊंगा, इस तरीके का फर्नीचर खरीदूंगा। मेरे सपने वहीं पर खत्म नहीं होते थे। मैं उन्हें अपनी डायरी में नोट भी कर लेता था उनके दामों के साथ, फिर उसे जबरदस्ती उन दुकानों पर ले जाता और उसकी राय पूछता। उसे मेरी ये आदत बहुत पचकानी लगती थी, पर वो हर बार मेरे साथ हो लेती मुझ पर हंसने के लिए, और मुझे उसका हंसना बहुत सुंदर लगता था। मैं हर बार उसे हंसाना चाहता था। एक दिन मैंने उसे एक झूठा सपना सुनाया। मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आया था, पर मैंने उसे झूठ कहा कि मैंने कल रात तुम्हारा सपना देखा था कि तुम मेरे साथ पहाड़ों में घूम रही हो।
हमारी शादी हो चुकी है और तुम उड़ रही हो। मैंने तुम्हें अपने सपनों में उड़ते हुए देखा था। इस सपने का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मैं जानता था कि वो हमेशा से चिड़िया हो जाने का सपना देखती थी। उसने मेरे झूठे सपनों में अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने झूठे सपनों की उड़ान को रोक ना पाया। मुझे उस झूठ के असर को देखकर शायद चुप हो जाना चाहिए था, पर मैं चुप नहीं हुआ। मैं अपने सपने गढ़ने लगा। हर कुछ दिनों में मैं उसे एक सपना सुना दिया करता था और वो हर बार अपनी आंखें बंद कर लेती थी। मैंने उसे कभी भी अपने इतना करीब महसूस नहीं किया था। वो मेरे बहुत पास थी, बहुत पास। इन्हीं सपनों के बीच हमने साथ रहने का फैसला कर लिया। ये उसका फैसला नहीं था। जब उसकी आंखें बंद थी, मैं उसे अपने घर ले जा चुका था। वो मेरे झूठे सपने में थी और मैं उसे सच में अपना बना चुका था। उसने मुझसे शादी नहीं की थी, पर हम साथ रहने लगे थे। मैंने अपने घर को अपने सारे बचकाने सपनों से सजा दिया। वही पर्दे, वही फर्नीचर, जिसे देखकर वो खूब हंसी थी। अब वो उन सब के बीच में रहने लगी थी। मुझे लगा था कि वो बहुत हंसेगी, पर वो चुप होती गई। उसकी एक आदत थी जिससे मैं बहुत चिढ़ता था। वो अपना हर जॉब कुछ ही महीनों में छोड़ देती थी। वो अपने भविष्य की कुछ भी संभावना देखती तो भिदक जाती थी, तुरंत छोड़ देती। प्रमोशन के लेटर पर वो अपना इस्तीफा कंपनी में दे आती। मैंने काम तलाशने की उम्र से जो जॉब पकड़ा था, मैं आज भी उसी ऑफिस में था। मैं बार बार उसे अपना उदाहरण देता था कि देखो आज मैं कितना सफल हूं। वो कभी बहस में पड़ती ही नहीं थी। ऐसी बातों में वो हर बार पहाड़ों पर चलने की बात कहती और मैं हर बार टाल जाता। मैंने उसे अपने साथ लगातार घरेलू होते देखा था। मैं जब भी उसे अपने घर के काम करता हुआ देखता तो मुझे एक अजीब सी जीत का एहसास होता, जैसे मैंने कोई जंगली जानवर को पालतू बना दिया हो। जैसे हाथी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना हमें बहुत अच्छा लगता है। शेर हंटर की टाप पर कुर्सी पर बैठ जाए तो हम ताली बजा देते हैं। मैं उसी सुख में था। फिर वो दिन आ गया, वो रविवार का दिन। मेरी छुट्टी थी और वो किचन में आटा गूंथ रही थी। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, मैं पूरियां बना रही हूं। पूरियां क्यों? आज कोई त्योहार है क्या? ना, इस महीने में 35 की हो जाऊंगी। इस महीने मतलब? तुम्हारा जन्मदिन कब है? जन्मदिन का पता नहीं, पर इसी महीने का भी है। मैं खुद को 35 महसूस कर रही हूं। मैं अपने परों को बड़ा होते देख सकती हूं। मैं 35 की हो जाऊंगी के बाद मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रही थी। मैं बार बार उसका उड़ना सुन रहा था। मैं डर गया। मुझे उसका सपना याद था। वो चिड़िया होना चाहती थी हमेशा से। वो बस 35 होने तक का इंतजार कर रही थी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? पूरियां बनाऊंगी और आलू टमाटर की सब्जी? नहीं, मेरा मतलब है 35 होते ही क्या करोगी? उड़ जाऊंगी। वो अपनी बातों में एकदम सहज थी। मैं डर गया। इस बार मैंने उससे कहा कि सुनो, मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूं ऑफिस से, चलो कहीं पहाड़ों पर चलते हैं। ना, मेरी इच्छा नहीं है। अरे, तुम ही कहा करती थी पहाड़ों पर जाना है, अब क्या हुआ? बस इच्छा नहीं है। वो बहुत खुश दिख रही थी। उसकी आंखों में जंगलीपन वापस दिखने लगा था। वो मेरे साथ रहकर या मुझे सहकर सिर्फ 35 होने तक का समय काट रही थी शायद। वो 35 होते ही उड़ जाएगी। मुझे लगा मैं किसी पिंजरे में बंद शेर के पास खड़ा हूं, जिसे पता है कि वो जब चाहे तब पिंजरा तोड़कर भाग सकता है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसे पालतू बनाना मेरा भ्रम था। वो कभी भी मेरा बनाया हुआ पिंजरा तोड़कर चली जाएगी। मेरे सपने, उनका क्या? झूठे ही सही, पर मैंने अपनी पूरी शिद्दत से उन्हें देखा था। उन्हें मैं उनकी नियति तक पहुंचाना चाहता था। मुझे कुछ हो रहा था। मैं ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। सुनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने कुछ ऐसा कहा मानो मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। इस बार मेरे मुंह से उड़ना ही निकला, पर मैं रोक नहीं पाया। मैंने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम? तेल गर्म है, जाओ यहां से। अरे मुझे दर्द हो रहा है, तुम दूर रहो। उसने मुझे धक्का दिया और मैं फर्श पर आकर गिर गया। मुझे सब कुछ छूटता हुआ दिख रहा था। मेरा सपना, मेरा भविष्य, मेरी आंखों में अजीब सी जलन हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंखों में लगातार पानी गिर रहा था। वो डर गई थी। वो डर के मारे सोफे के ऊपर चढ़ गई। मैं अभी भी फर्श पर था। मुझे लगा वो सोफे के ऊपर से छलांग लगाएगी और उड़ जाएगी।
मैं भूखी बिल्ली की तरह उसके फर्श पर गिर जाने का इंतजार करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से उठा और उसकी ओर झपट्टा मारा। मैं उसे रोकना चाहता था। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, पर मुझे बार बार उसका उड़ जाने का डर था। सो मैं बस उसके परों को जख्मी कर देना चाहता था। वो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती थी। कुछ देर की हाथापाई में मैंने अपने सिर पर किसी कठोर चीज का प्रहार सा महसूस किया। शायद वो कुकर था या कढ़ाई, पता नहीं, पर मैं बेहोश हो चुका था। जब नींद खुली तो मैं अपने घर पर अकेला था, कहीं भी नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसके बाद मुझे कभी दिखी ही नहीं। मैंने अपने झूठे सपनों में कुछ सालों तक फंसाए रखा था उसको, या शायद वो मेरे सपनों के बारे में जानती थी। बस उसे 35 होने तक का समय काटना था, सो वो मेरे झूठ के साथ बनी रही। मैं हमेशा भ्रम में ही था कि वो मेरे प्रेम में घरेलू हो चुकी है, वो अपने सपनों से बाहर आ चुकी है और मेरे यथार्थ में जीने लगी है। पर ऐसा नहीं था, वो हमेशा से सपनों में ही थी। उसने एक बार कहा था कि जो सपना देखता है वो कभी भी उड़ सकता है, और वो उड़ चुकी थी। ये बहुत पुरानी बात है, आज रात सच में मैंने उसका सपना देखा था कि वो पहाड़ों में देवदार के एक वृक्ष पर बैठी मुझे देख रही है। जब तक मैं उसका नाम पुकारता, वो उड़ चुकी थी दूर पहाड़ों की ओर।